तो व्हाट इज़ अप मेरी यूट्यूब की फैमिली, आज की वीडियो में हम जा रहे हैं दिल्ली। दिल्ली क्यों जा रहे हैं ये तो आपको आने वाली सीरीज़ में पता चल जाएगा। कुछ लोग को तो अंदाज़ा भी हो गया होगा कि इंसान दिल्ली क्यों गया है। लिफ्ट आ चुकी है, जैसा कि गाड़ी में भी म्यूजिक सिस्टम नहीं है तो जुगाड़ करके रूहतुत वाला लेके जा रहे हैं। ये खड़ा हमारा जोटा, वेरी गुड। गंदी तो हो रही है ये देखिए, मतलब इसमें पता नहीं चल रहा पर गंदी हो रही है। ये देखो ये पता नहीं क्या ऊपर से चिप चिप गिर रहा है। तो फ्यूल के लिए रुक रहे हैं, डीजल डलवाना है अभी इसमें। ओ सेम सेम रिकॉर्ड जा रही है 20 इंच। $4,100 का आया है अभी तक इसमें, और जिसमें हमने निकलवाते ही 1,000 का डलवाया था। वैसा मैंने तो एक चीज़ अब नोटिस करी, आप देख रहे हो इतने बड़े अलॉय में वेट कितना डलता है। वेट देखो, एक पत्ती उसके ऊपर एक और पत्ती, उसके पीछे एक और पत्ती, ये तो एक अलॉय का है। फिर उसके इस वाले में कहा है भाई कितना है वही, इसमें बैलेंसिंग नहीं करी क्या? साथ इसका एवरेज टेस्ट भी हो जाएगी कि अभी फ़िलहाल कितनी दे रही है विदाउट एनी, मतलब अभी कोई जनरल चेकअप भी नहीं हुआ ना, फर्स्ट सर्विस हुई है एज यू ऑल नो। कट टू एकदम हाईवे से करोल बाग, अब हम आ चुके हैं वर्टस वाले DNH 9 वाले। एक ही इनकी वीडियो फेमस हुई थी बहुत, आप सबको पता होगा। हम जा रहे हैं, वो दिख रहा है जय ऑटो। तो अभी एकदम मैं फुल फ्लेज तो इसमें पूरी नहीं कराऊंगा जो भी मॉडिफिकेशन है, पर थोड़ी बहुत जो भी कराऊंगा। आई होप Z2 है Z2। बाकी वही फुल पैक है, करोल बाग आओ या तो सुबह आ जाओ या रात को गाड़ी खड़ी करके चल जाओ यहाँ पे। और अभी दर्द हो गया चार लागे क्लच, और ये भाई ऑटोमेटिक वाले हो गए ना आजकल तो भाई सुना रहे हमें। गाइस ये है Day 2, मैं दिल्ली से आ चुका हूँ, अपने घर के यहाँ पे शूट कर रहा हूँ क्योंकि दिल्ली से काम करवाने के बाद ही मैं निकल चुका था चंडीगढ़ के लिए क्योंकि यहाँ पे कुछ काम था। तो एक बार मैंने कहा सबको बता दूँ कि मैं दिल्ली से क्या क्या करवा के आया हूँ। पहले मैं स्टार्ट करूँगा की से, जो कि आप देख सकते हैं टॉप मॉडल वाली हो चुकी है। ये लॉक, ये अनलॉक, ये टॉप मॉडल वाली मैंने की करवाई थी, इसकी कॉस्ट थी 1500 सिर्फ की। मैं साथ में प्राइसिंग भी बताता जाऊँगा। 1500 इस की कॉस्ट पड़ी थी बनवाने की। 3000 की जो सेंटर लॉकिंग थी वो अलग थी। ये प्रोजेक्टर हेडलाइट जो कि S11 की है वो मैंने चेंज करा ली है, ये 15000 उन्होंने मुझे कोड किया था। बाकी आपको एक बार बाहर बाहर से जो जो हुआ है पहले वो दिखा देता हूँ, फिर अंदर से लेके जाऊँगा क्योंकि मेन अंदर ही हुआ है इस बार। तो आप ये स्टॉप लैम्प देख रहे हैं, ये अब वाली S11 में भी नहीं आता, पहले वाली S11 में आता था, तो ये लगवाया है एक। तो अंदर से दिखाएं तो सबसे पहला जो मेजर चेंज आप देखने वाले हो वो है ये गेट। ये गेट S11 वाले करवा दिए हैं जो कि बहुत मेजर खर्चा इन्हीं का ही होता है अगर देखा जाए तो। मैट मैंने वहाँ से नहीं डलवाई क्योंकि यहाँ देखो जो जो चीज़ यहाँ पे नहीं डल रही थी वो चीज़ मैंने दिल्ली से करवा ली। अब जैसे साइड मिरर वाला काम है ना, ये मैं यहाँ से करवा सकता हूँ क्योंकि वहाँ पे मैं गया भी लेट था तो टाइम नहीं था इतना कि सब कुछ एक साथ करा लूँ, 10 बजे वो बंद करने को हो जाते हैं, तो साइड मिरर यहाँ से हो सकते हैं, ठीक है जी। बाकी स्पीडोमीटर आप देख सकते हैं, हाँ जो गेट वाला काम है वो आप लगा लीजिए। एक ये रहा, चारों ही गेट चेंज होते हैं, या पीछे देख सकते हैं सारा सामान जो उतर है वो, जो इसके गत्ते थे पहले वाले वो सारे वहीं पड़े हैं। कि जो इन जो पैनल्स के जो प्राइस रहने वाले हैं 30000 के पैनल्स इंक्लूडिंग जो पावर विंडो का सॉकेट यहाँ था वो अब यहाँ आ चुका है, और हर उस पर अलग अलग अपने पावर विंडो हो चुके हैं। तो इसकी जो किट थी कम से कम आप लगा के चलिए 7500 की, मतलब 7500 रुपये की इसकी S11 किट आती है, जो कि ये आप देख रहे हैं ना डोर लॉक्स ये भी चेंज होते हैं। अगर इस गत्ते में आपको सेंटर लॉकिंग करवानी है तो आपको डोर लॉक चेंज करवाने पड़ेंगे, ठीक है जी। बाकी इसकी सबकी कॉस्ट आप लगा के चलिए मतलब सेंटर लॉकिंग इंक्लूड करके 40000 की कॉस्ट पड़ गई थी इन सबकी मुझे। बाकी यहाँ पर आते हैं, ये आप देख सकते हैं स्पीडोमीटर S11 वाला लग चुका है, एक बार मैं आपको ऑन करके भी दिखा देता हूँ। ये देखिए ये S11 का पूरा स्कैन होके मेरे सामने जितनी रीडिंग पहले थी उससे यहाँ 1-2 किलोमीटर इधर उधर हो सकती है, बाकी सारी नहीं होगी।
और यहाँ पे आप देख सकते हैं कंट्रोल्स लगवा लिए हैं। हाँ अभी ये मतलब लाइट्स इनमें आ चुकी है पर ऑन इसलिए नहीं हुई क्योंकि हमारे पास स्टीरियो ही नहीं है। वेरी गुड। दूसरा यहाँ आर्म रेस्ट देख रहे हो आप, आर्म रेस्ट आ चुके हैं गाड़ी में। आर्म रेस्ट की बहुत ज़्यादा नीड थी, मुझे तो फिर भी नहीं थी, ड्राइवर को फिर भी नहीं थी, क्योंकि क्या है कि ड्राइवर क्या ऐसे करके मतलब सीधा गियर पे हाथ रख के चला लेता है, पर जो इधर है इधर के लिए नीड थी हमें गाड़ी की। तो गाइस ये तो अभी मतलब बहुत नॉर्मिनल चीज़ें ही करवाई है, पर देखो जो मेरे लिए पहले इम्पोर्टेंट था मैंने वो कराई है। जैसे मुझे जो डोर पैनल तो चाहिए ही होते हैं, है ना, वो प्लेन से मैं क्या ना स्पीकर लगवा सकता ना कुछ, है ना, तो वो वाले करवा लिया, आर्मरेस्ट वगैरह जो जो मेन चीज़ें थी वो मैंने करवा ली। ये देखने में बहुत कम चीज़ें लग रही है पर ये ऐसी चीज़ें हैं कि अगर ये ना हो ना तो मतलब बहुत ये मैंडेटरी चीज़ें हैं। सही बताऊँ तो अंदर जो पैनल डले हैं उसी की कॉस्ट है मेन, जो अंदर डले हैं। बाकी तो देखो ऐसा है, अलॉय तो आपको पता ही, हमने पहले ही डलवा लिए थे, ऐसे कुछ लोग आ रही है। बाकी मैं बार बार बोलूँगा क्योंकि मुझे पता है वीडियो में देख के आप जज नहीं कर सकते, क्योंकि ये सामने से देखोगे तो बहुत बड़े लगते हैं, मतलब 22 इंच तो नहीं लगते, रहेंगे तो 20 ही, पर आप जस्टिफाई नहीं कर सकते इसको गाइस। बाकी देखो अभी से ही इस पर ये देख रहे हो स्क्रैचेज आना चालू हो चुके हैं, इनका कुछ नहीं कर सकते, इसका एक ही इलाज है जो कि रहने वाली है पीपीएफ। तो पीपीएफ तो कराएंगे देखो, पर अभी क्या है कि थोड़ा सिरेमिक कोटिंग कराई ही है, तो मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा रुक के कराएं, पहले जो बेसिक वर्क है गाड़ी में वो करवा लेते हैं।